अब खिलाड़ियों की जैसी परफॉर्मेंस होगी ऐसा ही उनके साथ सलूक किया जाएगा। किन किन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कौन कौन महरूम रहा, किसको कौन सी कैटेगरी मिली है, ये पूरी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को बी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और इब्रार अहमद को शामिल किया गया है। सलमान आगा, सऊद शकील, हारिस रूफ, साइम अयूब और साजिद खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, जबकि नुमान अली की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को शामिल किया गया है। सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जबकि फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसान अल्लाह को भी ड्राफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा तैयब ताहिर, शाहनवाज दानी, मोहम्मद हारिस, जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली, उसामा मीर, फखर जमान और इमामुल हक भी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल ना कर सके।